पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है, बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं।